जैसे गेमिंग ऐप बनाकर लोगों को लूटने वाले इंटरनेशनल बुकी सोंटू जैन मामले में नया खुलासा हुआ है, जिसके विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा पत्र परिचय का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि सोंटू जैन द्वारा एक स्थानीय उद्योगी से 58 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी, जिसके बाद जुलाई में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसके चलते वह फरार भी था, लेकिन सभी बचने के रास्ते बंद पाकर उसने 5 दिन पहले अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और सोंटू को पुलिस की 5 दिन की पुलिस हिरासत दी गई। पिछले जुलाई माह में ऑपरेशन के दौरान परिवार के सभी सदस्य फरार हो गए थे। पुलिस ने बैंक मैनेजर को उसका बैंक लॉकर जब्त करने का पत्र भी दिया, लेकिन उससे पहले बैंक मैनेजर की मिलीभगत से कुछ रिश्तेदारों की मदद से 3 नए लॉकर खोले गए। पुलिस को जानकारी मिली कि इन लॉकर में बड़ी मात्रा में पैसे और सोने के आभूषण रखे हुए हैं। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने जानकारी दी है कि आज पुलिस कार्रवाई में सोंटू जैन की मदद करने वाले एक बैंक मैनेजर समेत सोंटू जैन की पत्नी समेत माँ भाई और भाई की बीवी, साथ ही साथ गोंदिया के उन दो डॉक्टर्स परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम पर यह नए लॉकर खोले गए थे। इस पूरे स्कैम में लगभग 70 लाख कैश और 2 किलो गोल्डन बिस्किट बरामद किए गए हैं। तो वहीं अभी भी अवैध माल की गिनती चल रही है, जहां और अवैध मुद्देमाल मिलने की संभावना तेज होती जा रही है। आपको बता दें कि गोंदिया के बग्गा परिवार के घर सोंटू जैन मामले में छापेमारी चल रही है, जहां बड़ी मात्रा में अवैध माल बरामद किया गया है। ऑनलाइन गॅम्बलिंग प्रकरणात जे मुख्य आरोपी आहे ते सध्या पोलीस कस्टडीमध्ये आहे। ज्यांचे विचारपूस आणि जे डिजिटल एव्हिडन्स समोर आला त्यावरून अशा समोर आला की आम्ही जुलैचे शेवटचे आठवड्यात आरोपी आणि त्यांचे कुटुंबियांचे सदस्यांचे बँक लॉकर्स फ्रीज करण्याबद्दल पत्र दिले होते। हे बँक लॉकर्स फ्रीजचे प्रतपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते बँकचे मॅनेजर, बँकचे काही एम्प्लॉईज आणि आरोपी इतर लोकांचे सहाय्याने त्यांनी 3 नवीन लॉकर्स त्या बँकेत उघडला आणि हे आरोपी आणि त्याचे नातेवाईक हजर नसताना त्यांचे लॉकर ऑपरेट करण्यात आला आणि त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मौल्यवान वस्तू त्या अकाउंट्समध्ये त्या लॉकर्समध्ये ट्रान्सफर करण्यात आली आणि अशा प्रकारचे कट समोर आल्यामुळे एक नवीन गुन्हा आज दाखल करण्यात आलेली आहे। 420, 409 आणि 120B IPC ज्यामध्ये या ऑनलाईन गॅम्बलिंगचे मुख्य आरोपी सोंटू जैन, त्यांचे भाऊ, त्यांचे भाऊची पत्नी, त्यांचे आई, 2 डॉक्टर्स गोंदियाचे आणि आणखी अशा लोकांचे आणि बँक मॅनेजर यांचे विरुद्ध हे गुन्हा दाखल करण्यात आलेली आहे। आज सकाळीपासून सर्च ऑपरेशन गोंदियामध्ये वेगवेगळे भागात सुरू आहे। आतापर्यंत अंदाजन जे रिकव्हरी आहे, अंदाजन काउंटिंग आता सुरू आहे, लेकिन 70 लाखाचे सुमारास कॅश आणि 2 किलोचे वर्च गोल्ड आतापर्यंत जे डॉक्टर बग्गा कुटुंब आहे त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेली आहे। इतर सर्च ऑपरेशन्स वेगवेगळे भागात सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।